जेब में पड़ा एक रुपया करेगा चमत्कार। अब खुद आप बदलेंगे हिंदुस्तान की किस्मत। एक महीने में आप बनाएंगे भारत को महाशक्ति। एक महीने में सर्वशक्तिमान बनेगी इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में शामिल हुए 130 करोड़ जवान। देखिए सिक्का बनाएगा सुपर पावर। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा। कहते हैं अकेला चना क्या भाड़ फोड़ेगा, लेकिन मोदी सरकार ने कुछ ऐसा कर दिया है कि अब सब कुछ आपके हाथ में है। अगर आप इंडिया को सुपर पावर बनाना चाहते हैं तो एक महीने में बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भारतीय फौज दुनिया में सबसे बेहतर हो तो आप ऐसा एक महीने में कर सकते हैं। दरअसल अब आप सीधे अपने अकाउंट से भारतीय सेना के बैंक अकाउंट में पैसा भेज सकते हैं। और हैरान होंगे आप ये जानकर कि अगर आपने एक रुपया भी भेजा तो चमत्कार हो जाएगा। आइए देखते हैं, सिक्का बनाएगा सुपर पावर। मोदी के सुपर प्लान से चीन हैरान है। सुपर प्लान से पाकिस्तान परेशान है। एशिया का बॉस बनने वाला है भारत। भारतीय सेना में 130 करोड़ जवान। जी हां, ये कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की फौज अब इतनी ही ताकतवर होने जा रही है। इतनी ताकतवर कि चीन पाकिस्तान तो छोड़िए, अमेरिका तक खबर जानकर हैरान है। इतना कुछ मुमकिन रातों रात हुआ है, क्योंकि इंडियन आर्मी को ऐसा मंत्र मिल गया जिसमें हर हिंदुस्तानी एक फौजी है, हर हिंदुस्तानी सेना का हिस्सा बन गया है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? कैसे इंडियन आर्मी दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी बनने वाली है? तो इसकी वजह है ये 9055201016595। इंडियन आर्मी का ये कोई सीक्रेट कोड नहीं है, बल्कि एक बैंक अकाउंट का नंबर है जिसे भारतीय सेना के लिए खोला गया है। और आप सरहद से हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भी सेना की मदद कर सकते हैं। मैं नहीं समझता पहले ऐसे कोई इनोवेटिव सरकार के समय। हाँ, जब लड़ाई होती थी तो नेशनल डिफेंस फंड खोला जाता था, उसमें लोग कॉन्ट्रीब्यूट करते थे। 62 वॉर जब हुई थी, लोगों ने बड़ी श्रद्धा से, औरतों ने अपने जेवर भी डोनेट किए थे नेशनल डिफेंस फंड में। लेकिन एक रेगुलर तौर पर पीस टाइम में ऐसा फंड खोला जाए, मेरे हिसाब से पहला मौका है। तो सरकार की एक इनोवेटिव स्कीम है, इसकी कामयाबी तो 6-8 महीने एक साल के बाद पता चलेगी। दरअसल मोदी सरकार ने आर्मी वेलफेयर एंड फेडरल कैजुअल्टी नाम से सिंडिकेट बैंक में खाता खोला है। ये सेना की मदद के लिए आम लोगों की राय पर शुरू किया गया है, यानी इसमें कोई भी एक रुपए से लेकर लाख और करोड़ तक रुपए जमा कर सकता है।
और इसमें जमा होने वाली रकम सीधे सेना तक पहुंचेगी। हर हिंदुस्तानी के पास मौका है देश के लिए कुछ कर गुजरने का। यानी 130 करोड़ भारतीयों ने अगर एक बार इस बैंक खाते में पैसा जमा करना शुरू किया नहीं कि पाकिस्तान में भूचाल आ जाएगा, क्योंकि जितना पाकिस्तान का सालाना बजट है उतना पैसा तो भारतीय सेना के इस खाते में एक हफ्ते के भीतर जमा हो जाएगा। इतनी दौलत कैसे हिंदुस्तान को एशिया का बॉस बना देगी, आगे बताएंगे। मनोज अतलस के साथ वैभव कुमार, इंडिया न्यूज। जी हां, बात सिर्फ एक रुपए के सिक्के की है, लेकिन हर दिन ये एक सिक्का सेना के बैंक खाते में जमा कराने से हिंदुस्तान सुपर पावर जरूर बन सकता है। आइए अब इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं कि कैसे आपकी जेब में पड़ा एक रुपए का सिक्का हिंदुस्तान को चीन से कई गुना ज्यादा ताकतवर बना सकता है। एक रुपए में मिलेंगे 400 लड़ाकू विमान। एक रुपए में मिलेंगे 1100 लड़ाकू हेलीकॉप्टर। एक रुपए में मिलेंगे 2500 बैटल टैंक अब्राम। एक रुपए में मिलेंगी 9000 ब्रह्मोस मिसाइल। एक रुपए का सिक्का कैसे हिंदुस्तान को सुपर पावर बना देगा, सोचकर हर कोई हैरान है। लेकिन अब आपको तफसील से बताते हैं कि कैसे हर दिन सेना के बैंक खाते में जमा होने वाला एक रुपया कितना ताकतवर है। इस वक्त भारत की जनसंख्या करीब 1 अरब 30 करोड़ है। हर दिन एक भारतीय एक रुपया जमा करता है तो सेना के इस बैंक खाते में 130 करोड़ रुपए जमा होते हैं। एक महीने में एक रुपए के हिसाब से आंकड़ा करीब 3900 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है, जबकि एक रुपए रोजाना के हिसाब से एक साल में करीब 46,800 करोड़ रुपए जमा होंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान का सालाना रक्षा बजट 47,000 करोड़ रुपए है, जबकि भारत का रक्षा बजट पाकिस्तान से करीब 7 गुना यानी 2,58,000 करोड़ रुपए है। यानी आपका जमा किया गया एक रुपया पाकिस्तान के कुल रक्षा बजट के बराबर है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि जिस एक रुपए में आपको पीने के लिए एक ग्लास पानी नहीं मिलता, वही एक रुपया किस तरह से पड़ोसी मुल्कों की नींद हराम कर सकता है। तो बजट की कमी को पूर्ति करने के लिए सरकार ने बड़ी इनोवेटिव स्कीम निकाली है कि एक बैंक खाता खोल दिया। लोगों की सेनाओं के प्रति बहुत ऊंची श्रद्धा है और मैं समझता हूं काफी लोग इसका फायदा उठाएंगे और सेना के बजट में पैसा आएगा। अगर महीने में हर भारतीय 100 रुपए सेना के खाते में जमा करने लगे तो पाकिस्तान के रक्षा बजट से यह आंकड़ा करीब 3 गुना ज्यादा पहुंच जाता है। हर महीने हर भारतीय अगर 100 रुपए सेना के खाते में जमा करता है तो एक महीने में सेना को करीब 13,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। इस हिसाब से एक साल में सेना को करीब 1,56,000 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इतनी दौलत में भारतीय सेना को इतने हथियार मिल सकते हैं कि अमेरिका और रूस के पास भी नहीं होंगे। हमारे सामने चीन की हालत भी पतली हो जाएगी। ग्राफिक्स के जरिए समझिए 1,56,000 करोड़ रुपए में भारतीय सेना को क्या मिल सकता है। SU-30 सुखोई की कीमत 350 करोड़ रुपए है। सेना ऐसे 400 लड़ाकू विमान खरीद सकती है। एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की कीमत करीब 135 करोड़ रुपए है। ऐसे में सेना करीब 1100 लड़ाकू हेलीकॉप्टर खरीदने में सक्षम होगी। एक अब्राम टैंक की कीमत होती है करीब 60 करोड़ रुपए। ऐसे में इतनी रकम में करीब 2500 अब्राम टैंक खरीदे जा सकते हैं।
एक भारतीय अर्जुन टैंक की कीमत होती है करीब 55 करोड़ रुपए। इस लिहाज से इतने पैसों में करीब 2800 टैंक सेना को मिल सकते हैं। एक ब्रह्मोस मिसाइल की कीमत करीब 18 करोड़ रुपए होती है, यानी करीब 9000 ब्रह्मोस मिसाइल भारतीय सेना को मिल सकती है। इस पैसे का इस्तेमाल आर्म और इक्विपमेंट एक्विजिशन के लिए ज्यादा काम आएगा। अभी रफाल एयरक्राफ्ट आप ले लो, एक एयरक्राफ्ट की कीमत तकरीबन 1700 करोड़ है, तो वो इक्विपमेंट जो आजकल मॉडर्न इक्विपमेंट उसकी कॉस्ट बहुत हाई है, उसमें मदद मिलेगी। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि इतनी ताकत जब भारतीय सेना की होगी तब सरहद पर हमारे सामने दुश्मन मुल्कों की फौज कितने वक्त टिक पाएगी। लिहाजा इसीलिए माना जा रहा है कि सिक्का हमें सुपर पावर बना सकता है। दरअसल भारत के लिए चुनौतियां दुगनी है, एक तरफ आर्थिक चुनौतियां और दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी मुल्क। जी हाँ, यही वजह है कि हर साल भारत का रक्षा क्षेत्र का बजट बढ़ता है और कई बार सवालों के घेरे में भी रहता है। लेकिन इस तरीके से खोले गए बैंक खातों से न सिर्फ भारत की आर्थिक दिक्कतें मजबूत या फिर सॉल्व हो जाएंगी, बल्कि रक्षा क्षेत्र में भी एक बड़ी मजबूती मिलेगी। ये मुमकिन होगा सिर्फ आपकी कोशिश और आपके सिक्के की वजह से। भोपाल से दीप्ति चौरसिया और मुंबई से अभिषेक शर्मा के साथ सुमित चौधरी, दिल्ली, इंडिया न्यूज। आपका एक कदम बढ़ाने की देर है और भारतीय सेना दुनिया में सबसे ताकतवर सेना बन जाएगी। लेकिन यहाँ आपका ये जानना भी जरूरी है कि किस तरह से आप देशभक्ति के जज्बे से भरे इस अभियान का हिस्सा बनेंगे, कहाँ वो बैंक खाता खुला है, कैसे आप उस बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करेंगे और किसने सरकार को खत लिखकर ये आइडिया दिया, ये तमाम बातें इस रिपोर्ट में। जिस बैंक में इस अभियान की शुरुआत हुई है वो सिंडिकेट बैंक की ब्रांच है और उसका पता है साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली। अकाउंट नंबर 9055201016595। IFSC कोड SYNP00090555। ये वो अकाउंट नंबर है जो दुश्मनों के होश उड़ाने के लिए भारतीय सेना को और मजबूत बनाएगा। चाहे आप सरहद से हजारों किलोमीटर दूर हो, लेकिन इस अकाउंट नंबर में आप रुपए जमा कर देश की सेना की ही मदद करेंगे। इस खाते में आप बैंक की ब्रांच में जाकर रुपए जमा करा सकते हैं, चेक भेजकर भी आप रुपए जमा करा सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से भी रुपए जमा करा सकते हैं। मैं मानता हूँ आप कोई भी सिंडिकेट की ब्रांच में जाके ये अकाउंट